वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रिमोट प्रोसीजर कॉल्स। रिमोट प्रोसीजर कॉल को समझाने के लिए मैं सिंपल से एक डेफिनेशन दे दूंगा कि मान लीजिए कोई ए नाम की मशीन है, ए नाम की मशीन पे कोई एक प्रोसेस चल रही है और वो प्रोसेस जो है वो ए मशीन की है, लेकिन उसको कोई एक दूसरी मशीन है बी, उसके प्रोसीजर को कॉल करना है, जिसमें कॉल करने के बाद ए जो है वो सस्पेंड हो जाएगा, ए जो है वो हट जाएगा, तो उस एग्जीक्यूशन को जो प्रोसीजर जो है वो पूरा प्रोसीजर का प्रोसीजर मशीन बी कटे आगे आ जाएगा और पूरे वो मशीन बी के प्रोसेसर पे चलाएगा। एग्जांपल अपने ध्यान में रखिएगा, आपका फेसबुक का सर्वर, आप मोबाइल फोन से यूज़ करते हो, आप एक्चुअली उस सर्वर को रिमोटली एक्सेस कर रहे हो। उसके अंदर उस सर्वर में आपके नाम का एक प्रोफाइल है जिसमें प्रोफाइल पिक है, आपके पोस्ट हैं, आपके वीडियोज हैं और जो भी आप शेयर करते हो डेटा वो है। आप क्या करते हो, किसी भी मोबाइल से, लैपटॉप से, टैबलेट से अपना मेल आईडी खोला और खोलने के बाद उसको एक्सेस करा, एक्सेस करने के बाद शट डाउन करा, आगे बढ़ गए। मतलब रिमोटली आपने क्या करा, मैकेनिज्म जो था प्रोसीजर का, मैकेनिज्म मशीन बी का जो मैकेनिज्म था प्रोसीजर नाम से था, उसको एक्सेस करा और हट गए वहां से। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे कोई मैसेज पासिंग या आयो जो है वो विजिबल नहीं होता यूजर को और यहाँ पे पैरामीटर जो है वो एक बार काम करते हैं अपना और वापस प्रोसीजर उनके पास आ जाता है ए के पास ही। तो इस टाइप के मैकेनिज्म को जहाँ पे रिमोटली आप चीजों को एक्सेस करते हो उनको बोलते हैं रिमोट प्रोसीजर कॉल्स। रिमोट प्रोसीजर कॉल्स का मैकेनिज्म जो है वो बेसिकली रिलायबिलिटी और ब्लॉकिंग मैसेज पासिंग जो है ना उनको ओवरकम करता है, उनको और अच्छा करता है। इसका जनरल आर्किटेक्चर आप देख पा रहे होंगे, जैसे कि इसके अंदर हमने लिया है कॉल पी एक्स वाई। एक्चुअली यह क्या है, ये प्रोसीजर कॉल है, प्रोसीजर कॉल है, उसमें पी जो है वो प्रोसीजर नेम है, एक्स जो है वो पास्ट आर्गुमेंट है और वाई जो है वो उसका रिजल्ट है जो रिटर्न वैल्यू है। मतलब यहाँ से मैं खाली खोखा भेजूंगा तो वहां से भरा हुआ आना चाहिए वापस। मतलब मैं मोज़िला फायरफॉक्स खोलता हूँ, मेरा क्लाइंट खोलता हूँ, खोलने के बाद कुछ अगर भेज रहा हूँ तो खाली बॉक्स भेज रहा हूँ जो कि बॉक्स फेसबुक से भरा हुआ आना चाहिए या जो भी अमेजोन से भरा हुआ आना चाहिए, जो मतलब मैं वेबसाइट विजिट करिए, जो भी सर्वर पे मैं काम कर रहा हूँ उसकी बात कर रहा हूँ। खैर, इसका डायग्राम आपको दिख रहा होगा, लोकल एप्लीकेशन जो है या ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे हम बोलते हैं, वो क्या करेगा, एक लोकल कॉल जो लोकल प्रोसीजर कॉल है उसको जनरेट करेगा और उसको लोकल प्रोसीजर कॉल को जाके फिर वो रिस्पॉन्स जो क्लाइंट तक जाएगा, क्लाइंट एप्लीकेशन उसको लोकल स्टब तक पहुँचाएगी और लोकल स्टब जो है वो आरपीसी मैकेनिज्म तक पहुँचाएगा। आरपीसी मैकेनिज्म ये था क्लाइंट का और उस तरफ देखेंगे आप तो आरपीसी मैकेनिज्म में सर्वर का, वो वहाँ पे प्रोसीजर कॉल को भेजेगा, प्रोसीजर कॉल फिर सर्वर पर जाएगा, सर्वर उसका रिस्पांस करेगा, रिस्पांस करके वो वापस अपने लोकल स्टब पे भेजेगा, जो लोकल स्टब होगा वो आरपीसी मैकेनिज्म में, फिर मैकेनिज्म आरपीसी मैकेनिज्म से आरपीसी मैकेनिज्म तक दोबारा जो चीज गई थी वो भर के वापस आ गई है और इसी के साथ जो रूट फॉलो करा था आपको एप्लीकेशन में दिखना चालू हो जाएगा। अब वो भले ट्रांसपेरेंट यूजर को हो या ना हो, लेकिन उसका इंटेंशन क्या है कि रिमोट प्रोसीजर को आपको एक्टिव करना है और वो किसी और मशीन पे ऑलरेडी एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे एक डमी, एक स्टब ले लेते हैं हम, एक स्टब प्रोसीजर जिसका नाम होता है पी, उसको ले लेते हैं और वो उसमें इंक्लूड करते हैं कॉलर का एड्रेस स्पेस और डायनेमिकली हम उसको लिंक करते हैं कॉल टाइम के अंदर। जब प्रोसीजर क्रिएट करता है मैसेज को तो आइडेंटिफाई करता है कि प्रोसीजर जो है वो कॉल्ड कौन सा है और उसके अंदर पैरामीटर्स क्या क्या है, फिर उसको देख के वो क्या करता है रिमोटली उसको भेजता है, भेजने के बाद उसके रिप्लाई का इंतजार करता है। जब रिप्लाई रिसीव होता है तो स्टब प्रोसीजर क्या करता है, वापस से अपने कॉलिंग जो कॉलिंग प्रोग्राम था उसको वैल्यूज, रिटर्न वैल्यूज प्रोवाइड कर देता है। मतलब कुल मिला के इस डायग्राम के अंदर लोकल स्टब का काम यही है कि चीज़ों को लेना और देना और देने के बाद जब वहां से वापस आए तो वापस से उसको रिटर्न बैक करना। अब यहाँ पे रिमोट मशीन जो होती है उसके पास एक अलग स्टब होता है, वो अलग स्टब में आपका उसके साथ एसोसिएट होता है उसका कॉल्ड प्रोसीजर। अब जैसे कोई मैसेज आया तो वो एग्जामिन करेगा कि लोकल कॉल है और लोकल कॉल के साथ साथ इसका प्रोसीजर क्या है, अच्छा ठीक है ये प्रोसीजर है, इसको एक्स और वाई की वैल्यू चेक करेगा तो वो कॉलिंग प्रोसीजर है वो एक्स और वाई के फॉर्म में देगा और अपने सर्वर से जो लेगा डेटा उसके अंदर एक्स और वाई की वैल्यू भर के उसको वापस देगा। रिमोट प्रोसीजर को इसलिए लोकल ही कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर अजम्पशंस जो है वो ऐसे होते हैं कि आपको डेटा या पैरामीटर्स जो है स्टैट होती है वो आपको फाइंड आउट करनी होती है, ये प्योरली लोकल होता है। मतलब ये कि अगर आप इस डायग्राम को गौर से देखें तो इस डायग्राम के अंदर आपको लोकल प्रोसीजर, लोकल मतलब मैं अपने सिस्टम से आगे अगर कोई भी वेबसाइट विजिट कर रहा हूँ, जैसे मान लो मैं आईआईटी बॉम्बे की कोई वेबसाइट है वो विजिट कर रहा हूँ, मुझे वहाँ से कुछ रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड करना है या कुछ किसी चीज़ में अप्लाई करना है तो मैं क्या करूँगा, उस आईआईटी की वेबसाइट पर जाऊँगा तो सबसे पहले अपने क्रोम पर लिखूँगा आईआईटी की जो भी उसका HTTPS करके जो भी उसका एड्रेस होगा वो वेबसाइट का, या तो मैं गूगल से उठा के डालूंगा, जैसे एंटर मारूंगा तो ऑटोमेटिकली वहाँ जाएगा। वहाँ पे जब जाएगा तो वहाँ पे जाने के बाद जो आपने डेटा देखेंगे ऐसे ऐसे गोल घूमते घूमते वो रिवर्ट होने लगता है, जब रिवर्ट हुआ तो मुझे वेब पेज दिखने लगा,
तो ये एक काम हुआ है। रिमोट प्रोसीजर क्या हुआ, यहाँ से अप्लीकेबल हुआ, यहाँ से मैंने लॉगिन करा, लॉगिन करने के बाद कुछ काम करा, काम करने के बाद अप्लाई करा या जो भी करा, कर को रखे मैंने इसको सिस्टम को बंद करा। मतलब ये कि जो कंट्रोल है वो पहले मशीन ए पे थे, मशीन ए से बी पे गए, बी से काम करा, काम करने के बाद वापस आया, तो मशीन बी रिटर्न बैक जो कंट्रोल होंगे वो भी रिटर्न बैक हो जाएंगे मशीन ए पे। तो दैट इज व्हाट वी कॉल रिमोट प्रोसीजर कॉल और उसका मैकेनिज्म, जिसके अंदर हम लोकल स्टब यूज करते हैं, जो लोकल स्टब क्लाइंट का होता है, सामने वाले सर्वर का भी लोकल स्टब होता है, जो कि आपस में बात करते हैं आरपीसी मैकेनिज्म से, और उसके अंदर रिमोट प्रोसीजर कॉल चलता है। रिमोट प्रोसीजर कॉल जो होता है उसी के अंदर ये वो गाड़ी होती है जिसके अंदर सामान खाली गाड़ी जाती है और भरी हुई गाड़ी आती है, मतलब क्लाइंट्स के एंड से जब जाएगी तो वो खाली जाएगी, जब सर्वर के एंड से चल के वापस आएगी तो वो भरी हुई आएगी। तो ये काम और होने के बाद फिर वो अपने क्लाइंट को दिखाता है, मतलब क्लाइंट मतलब मोज़िला फायरफॉक्स को दिखाएगा, मोज़िला फायरफॉक्स आपको दिखा देता है, मतलब जो भी आपकी एप्लीकेशन होगी रन करा रहा होगा उसको दिखा देता है। तो ये कुल मिला के इसमें सिर्फ एक ही चीज़ है, यहाँ पर एक डमी स्टब लिया गया जिस स्टब के अंदर ये सारा काम किया गया। थैंक यू सो मच।